सबसे पुराने घाट दिल्ली के अंदर यही जमुना बाजार निगम बोध घाट के नाम से मशहूर है। इस घाट पे पूजा होती है और नहान होते हैं, गंगा नहान मावस पूर्णमासी के लोग नहाने आते हैं और हर तरीके की पूजा होती है, नारायण बलि, दसमा, अभिषेक, पायसरपयोग, ये सारी पूजा होती है। और ये पक्षी आते हैं सर्दियों में, ये साइबेरियन पक्षी हैं, सर्दियों में 5 महीने बराबर लोग आते हैं फोटोग्राफी करने, इनको दाना देने के लिए रोज आते हैं लोग 5 महीने तक, कोई 1 क्विंटल कोई 2 क्विंटल दाना ऐसे गिरता है, कोई 1 किलो 2 किलो बराबर सारा दिन लोग आते हैं। काफ़ी लोग आते थे, नदी के पानी से कोई दिक्कत नहीं है, लोग इसको आज भी आस्था है, नहाते हैं इसमें, लोगों की आस्था है तो बराबर आ रहे हैं जब तक आस्था है, तो बिल्कुल ही दूषित हो जाएगा तो लोग आना ही बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि यमुना की क्या हालत हो गई। होगा भी नहीं जब तक नाले बंद नहीं होंगे, तो कुछ नहीं हो सकता इसके। 32 नाले हैं पूरी दिल्ली के, पूरे हरियाणा का नजब नाला बाईपास करनाल, हमारे काम धंधे पे फर्क हो गया, जो पूजा पाठ कराने वाले थे वो लोग कम होते चले जा रहे हैं, हम लोग वो छोड़ के हम नाव पे आ गए, नाव चला रहे हैं, उसमें भी वही है कि 400-500 रुपये मिल जाए सारे दिन में वही हो। इन्होंने जो सिस्टम निकाला है 300 मीटर के दायरे में पर्यटक स्थान पर कोई जगह नहीं है, तो इनको तोड़ने का भी सुन रहे हैं, जो लॉयर्स और विक्टोरिया के टाइम से रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। एक टाइम ऐसा था यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, सामने देख रहे हो ना ये जंगल हो गया, जो 1.5-2 लाख आदमी उतर जाता था वहाँ पे, दुकानें लगती थी खाने की प्रसाद की, लोग स्नान के लिए गंगा स्नान, मावस पूर्णमासी, बैसाखी, मकर संक्रांति, सब धीरे धीरे सब लुप्त तो हो गया। जब ये पानी दूषित है तो लोग कहाँ नहाएंगे, तो 32 नाले नहीं खत्म होंगे तो ऐसा ही पानी रहेगा, और ये लोग तो मतलब दिल्ली वाले ही तो करते हैं सब, इसमें जो गंदगी डालते हैं।